करे प्रचार और प्रचार करने के वो ना करे आचार। कहते आचार प्रचार नामे करह द्विकार ज तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत राज। जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो खुद तो आचरण नहीं करते हैं लेकिन केवल दूसरों को उपदेश देते रहते, तुम करो तुम करो तुम करो, लेकिन अपना जीवन में कुछ लोग हैं जो स्वयं आचरण नहीं करते। लेकिन जगत में ऐसे कुछ लोग हैं अपना जीवन में तो आचरण कर रहे हैं लेकिन वो प्रचार नहीं करते, दूसरों को उपदेश नहीं देते, प्रचार नहीं करते। लेकिन कहते आचार्य कौन है? कहते आचार्य हुए हैं जो स्वयं अपना जीवन में आचरण करे और स्वयं भगवान की कथा को प्रचार करे, जो आचरण करे और स्वयं प्रचार करे। कहते आचार्य तेन कीर्ति, तो मतलब उसको ही आचार्य उसको ही कहते हैं जो जीवन अपना जीवन में पहले आचरण करे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपना जीवन में कुछ करता नहीं लेकिन केवल दूसरों को उपदेश देता है, तुम करो तुम करो, फिर तो उसका जो बात है ना वो दूसरों को ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, उसको बात कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? वो अपना जीवन में कुछ उतारते नहीं, केवल उपदेश देते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए? कहते क्या करनी चाहिए? कहते आचार प्रचार नामे करह द्वि कार्य, दोनों काम करनी चाहिए। पहले तो आचरण करनी चाहिए फिर उसको बाद में प्रचार करनी चाहिए। जो ऐसे काम करते हैं उसका तो प्रचार है जगत में बहुत अच्छा होता है,
जैसे हमारे श्रील गुरु जी की जो गुरुदेव थे, गुरु जी का जो गुरुदेव थे उनका नाम क्या था, बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इन्होंने पहले इतने कठोर साधन किया, इतने कठोर साधन किया, दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे हैं। अगर हम 16 माला अगर करते हैं ना, कोई अगर 16 माला करता है, देखो ना दिन भर लग जाता है 16 माला करने के लिए। 1 लाख कितने होता है, 4 बार जब 16 माला करते हो 1 लाख होता है, और 64 माला कम होती है 3 लाख कम होता है। जब ये 1-1 लाख को 3 बार करोगे, मतलब अगर एक जगह पर बैठी करके अगर कम से कम 20-22 घंटा अगर एक जगह पर बैठ कर करोगे ना, तभी जा करके ये किसी तरह से 3 लाख हरिनाम पूरी हो। कर अगर ये भगवान का जो नाम, इसको क्या बताया, ये कल्प विख्य कल्पतर, मतलब भगवान के नाम करते हुए आप जो कुछ मांगो ये हरिनाम तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर देते, जो मांगो हरिनाम से सब हरिनाम पूरी कर देंगे हैं। हनुमान जी बताओ दिन भर करते हैं कि हरिनाम तो करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, हनुमान तो यही करते हैं। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, कहते महामंत्र जो ही जपत महिषा पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा। शंकर दिन भर हरिनाम करते हैं, माता पार्वती कहते हैं हाथ में एक माला है, वही माला जप करती हैं। ब्रह्मा जी का 4 हाथ देखोगे, 1 हाथ में एक माला है हैं। सरस्वती का 4 हाथ देखोगे, 1 हाथ में एक माला देखोगे। जो सबसे जगत में सबसे बड़े रूप में जिनको दिखाई पड़ता है ना, जो जितने भगवान के नाम हरि नाम क्या जगत में उतना ही बड़ा बना। इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। दिल्ली वाला नहीं है, कौन है, हाँ जिसका दिल बहुत मजबूत है हैं, वो कर सकता है। लेकिन साधारण लोग सोचेंगे अरे यदि कंठी तिलक लगाए क्या तुम बाबा जी हो गए, हाँ क्या साधु हो गए हो हैं। अगर हरिनाम माला सारा दिन किया कर रहे हो, ये माला लेकर दिन भर के तुम बाबा जी साधु बन गए हो हैं, लोग शर्म लगता है। लेकिन देखना कोई शराब पिए ना उसको दुनिया कुछ नहीं बोलते, जुआ खेले देखना उसको कोई दुनिया कुछ नहीं बोलता है, सिगरेट फूके कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन थोड़ा प्रभु का भजन करना शुरू कर दे सारा दुनिया पीछे पड़ जाती है, ये क्या टीका लगा लिया इसमें, ये कोई उम्र है तेरे को भजन करने का, प्रभु जी बता रहे थे ना क्या, कभी ये क्या उम्र है, अभी से क्या ये सब तिलक करके माला तुमने लगा दिया, अभी से ये सब धोती पहनना किया, क्या तुम धोती पहन कर साधु बन रहे हो हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था प्रहलाद को ले ऐसे भजन भजन किया है, पहले तो एक हिरण्यकश्यप, अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए हैं, घर घर में बच्चों को भजन भजन मार्ग में जाए ना सब बाधा देंगे, लेकिन कोई गंदा काम कर कोई घर में बाधा नहीं देते। इसलिए प्रभुपाद ने उनने क्या किया, दिन में 3-3 लाख उन्होंने हरिनाम किया, कितना हरिनाम करता था, 3-3 लाख हरिनाम करते थे। कहते हैं उन्होंने 12 साल तक 3-3 लाख हरिनाम किया, 24 घंटा अगर हरिनाम करते रहोगे तब किसी तरह से पूरी होगी। कहते अगर इसको कोई कर लिया ना 100 करोड़ उन्होंने नाम जग किया, 100 करोड़ उन्होंने अगर कोई जिंदगी में कर लिया किसी तरह से, आप देख लेना आपका मुँह से जो निकलेगा सच हो जाएगा। पहले साधु लोग ब्राह्मण लोग जो बोलते तो हो जाता ना, बोले क्यों हो जाता था, कारण है वो दिन भर प्रभु का नाम लेते थे, भगवान की कीर्तन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, हरिनाम करते थे दिन भर, इसलिए उनको मुँह में भगवान खुद बैठ जाते, इसलिए कुछ भी वो बोल देते थे वो हो जाता था। अब कंधे भी हो सकता है, ये मत समझो अरे हम क्या कर सकते, नहीं हम ही कर सकते। वाल्मीकि पराशर जितने ध्रुव प्रहलाद हुए वो कोई आकाश से नहीं आए, हम लोग जैसे ही थे, लेकिन चूंकि उन लोगों ने भगवान की भक्ति किया, मेरा और कोई साधारण वो कोई आकाश से थोड़ी आई हुई थी हाँ, इसी जगत की मीरा थी, लेकिन ठाकुर को भजन किया भक्ति किया, देखो दुनिया में मीरा बन गई, जगत में चमचम आ गई। अगर हम भी अगर जीवन में भजन करेंगे हम भी ऐसे बन जाएंगे। इसलिए ये श्लोक में कहते हैं आचार्य हुए हैं कौन हैं, जो अपना जीवन में आचरण करें। अगर बगैर आचरण केवल बोलते रहे ना, बोलेगा देखना उसको बातों पर कोई असर नहीं होगा, क्यों वो अपना जीवन में स्वयं आचरण नहीं करता। पहले मैं बता रहा था ना एक छोटा कथा सुनाया था याद है,
मतलब एक कोई घर में कोई बच्चा बहुत गुड़ खाता था, अभी गुड़ खाते खाते मिठाई का तो एक लिमिटेड होता है ना, अब देखना बच्चा अगर ज़्यादा चॉकलेट खाए दांत गल जाती है, शरीर खराब हो जाती है, अभी गुड़ ज़्यादा खाते 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 तबीयत खराब होने लग गया और गुड़ छोड़े ही नहीं। उसको पिताजी बोले लेकिन पिताजी का बात नहीं सुने, तब उन्होंने कहा साधु के पास में ले गए, बोले बाबा ये बेटा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इसलिए आप कृपा करके उसको बोल दो गुड़ छोड़ दे। जानते हैं बाबा बोलने पर कहते हैं घर के जोगी जगना आने गाँव के सीधा है, इसलिए कहते हैं बाबा सब बोल देने पर हो जाएगा। बाबा के पास में ले गए, बाबा ने कहा एक काम करो तुम 7 दिन बाद में आओ। जब उन्होंने 7 दिन के बाद में गए, बोले बेटा इतना गुड़ मत खाया करो तबीयत खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं है। तो वो व्यक्ति ने पूछा भैया जो 7 दिन पहले आया था तुमने क्यों नहीं बोला, तुम अभी क्यों बोल रहे हो, अभी क्यों बोल रहे हो? बोले बाबा मैं पहले भी ज़्यादा मैं भी ज़्यादा गुड़ खाता था, अगर मैं बोलता ना छूटता नहीं, इसलिए मैंने 7 दिन में ना उसको कंट्रोल कर लिया, अभी मैं भी गुड़ खा कम करते 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 मैं भी गुड़ अभी कम कर लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए जब हम करते हुए जब बोलेंगे उसको ऊपर में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये श्लोक देखो कितने सुंदर श्लोक, इसलिए जो याद कर सके जो कम उम्र में देखो, अगर 30 दिन हो जाएगा ना 30 दिन में कितना श्लोक हो जाएगा, 30 श्लोक हो जाएगा। अगर 30 श्लोक गुरु तत्व वैष्णव तत्व हैं कृष्ण तत्व अगर 30 श्लोक सीख गया ना, देखना कितने सुंदर तुम्हारी भजन भी बढ़िया होगा और दूसरों को भी भगवान की कथा भी आप दूसरों को समझा सकते हो। ठीक है बोलो, तुम भी रोज रोज एक एक याद करना। हाँ देखो जब कल है एक बहुत अच्छा लिखा है आप लोग ना सबको लेके जाना था, कल है श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा। जगन्नाथ जी कल उनको अंदर से बाहर लाए, बाहर ला करके वहाँ पर एक सिंहासन है, जगन्नाथ जी कौन पद गए हाथ उठाओ तो जगन्नाथ जी कौन पद गए, इसलिए अभी बात इस बात लगता है इस बार जगन्नाथ जी रथ यात्रा होगी लेकिन सबको रथ टेंशन नहीं देगी वो है, हम कोशिश करेंगे हमारे अगली बार सबके साथ जगन्नाथ पुर जाए। और इस बार हम इस बार अगर हम देखें कि यहाँ पर तो रथ यात्रा हम लोग हर साल एक बार करते थे लेकिन शायद 2 साल से नहीं हो पाए क्योंकि ये कोरोना आ गई, अगर इस बार अगर हो सके अगर सरकार ने आग्रह किया यहाँ पर जिस भी जगन्नाथ पुर में रथ यात्रा होती है उसी दिन रथ यात्रा का विशेष बात है, उसी दिन रथ यात्रा का विशेष, उसी दिन अगर जगन्नाथ एक बार कोई रथ होकर दर्शन करते हैं शास्त्र कहता है उसको जगत को पुनर्जन्म नहीं होगा, संसार में आना नहीं पड़ेगा, ये दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा, चिरकाल के लिए संसार में मुक्त होकर भगवान के पास चले जाएगा, उसी दिन रथ यात्रा की इतना महत्व है। इसलिए हम लोग अगर देखेंगे अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, अगर पुलिस अगर ऑर्डर देगा पुलिस हम कोशिश करके उसी दिन यहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करेंगे। ठीक है अभी 15 दिन बाकी है, कितना था 15 दिन, अगर 15 दिन में कोरोना अगर पूरा ठीक हो गया हो सकता है सरकार आदेश दे सकता है और श्री जगन्नाथ जी का कल स्नान यात्रा है, जगन्नाथ जी को अंदर से बाहर लाएंगे और जगन्नाथ को स्नान पूरा के पूरा उनको स्नान कराया जाएगा और जब स्नान करेंगे ना ठाकुर जी सिंह पानी से उनको स्नान करके ठंडा पानी में जगन्नाथ जी को बुखार चढ़ जाएगा और बुखार चढ़ जाएगा जगन्नाथ जी 15 दिन तक जैसे बुखार होने पर हम दवा खाते हैं फल फूल खाते हैं रोटी नहीं खाते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए हैं जगन्नाथ की सेवा पूजा नहीं होगा जगन्नाथ का दर्शन नहीं होगा, इसलिए आप लोग भी कल जगन्नाथ का यहाँ मिला कल दर्शन है, अभी आपको 15 दिन तक जगन्नाथ का दर्शन नहीं है कि जगन्नाथ के दर्शन मिले तो हमको ठाकुर को ये कर देंगे आना पसंद रह जाएंगे और जो राधा कृष्ण महाप्रभु के दर्शन होंगे, इसलिए कल आप लोग सबके सब आना और सबको लेकर जाना। ठीक है कल हम जगन्नाथ जी का दर्शन लेंगे, जगन्नाथ जी ऐसी लीला क्यों करते हैं और लीला में क्या रहस्य छुपा हुआ है कल की सब कथा को आप कल सुने। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्मों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापित करता हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण स्वामी महाराज एवं श्री श्री रूप वेदांत गोस्वामी महाराज के शिष्यों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापित है। उसके उपरांत यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। इससे पहले हम लोग जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के ही बाल्य लीलाओं को जो है श्रवण कर रहे थे। पहले जो मैंने सुनाया था कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जो है अपने पिता श्री जगन्नाथ मिश्र जी के तर्पण का बहाना बना करके गया को जो है निकल पड़ते हैं। गया जब वो चले तो रास्ते में उन्होंने जो है पहले ब्रुखार की लीला को प्रकट किया, उसके बाद जो है वो जा करके ईश्वरपुरी पास जी से जो है मिलते हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी पास जी से मिलते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि गंगा जी के तो दर्शन करने से उसमें अथवा स्नान या आचमन करने से जो है आदमी पवित्र से पावन पतित से जो है पावन हो जाता है, लेकिन आप जैसे परम भागवतों के तो दर्शन करने से ही आदमी जो है पतित से भी पावन हो जाता है। जैसे हमारे श्री गुरुदेव हैं वो पतितों को पावन कर देते हैं, तो इस तरीके से फिर वो ही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किंतु वैष्णवों की तो एक ऐसी असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि उनके तो दर्शन मात्र से ही आदमी जो है पतित से पावन हो जाता है। इसके बाद श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव हे वैष्णव ठाकुर, आपको मैं जो है अपना तन मन और वचन श्री चरणों में आपकी जो है अर्पित कर देता हूँ और आप मुझे जो है कृष्ण रस को जो है पान कराएंगे। तो इसके बाद फिर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बीच में और ईश्वरपुरी पाद जी के बीच में काफ़ी सारा जो है वृतांत है, उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। उसी में से कुछ बातों को बताता हूँ कि ईश्वरपुरी पाद जी जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर के कहते हैं, अब तो मुझे जो है पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम कोई जो है साधारण जीव नहीं हो, इतनी बड़ी बात तुम कह रहे हो, इतना पांडित्य तुमने दिखाया, तो इन सब बातों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई जो है साधारण जीव नहीं हो। और तो फिर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को वो अलग अलग तरीके की बातों को बता बता करके समझाते हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि क्यों आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं जो है कोई साधारण जीव नहीं हूँ, तो ईश्वरपुरी पाद जी जो है उनको कई कई जो है उदाहरण दे दे करके कहते हैं। जैसे कहते हैं कि आपके दर्शन से मुझे अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, ऐसा आनंद प्राप्त होता है मानो जैसे मैंने स्वयं श्री कृष्ण के जो है दर्शन कर लिए हों। मैंने जब आपको दर्शन किया था नवदीप में, सबसे पहली बार जब मैंने आपको नवदीप में देखा था, और तभी से ही मुझे जो है कुछ भी और संसार में अच्छा नहीं लगता, सब सदैव मुझे जो है आपका ही स्मरण बना रहता। इस तरीके से अलग अलग बातों को बता बता करके ईश्वरपुरी पाद जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, मुझे तो आप में जो है भगवान का ही अवतार नजर आता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे वो कहते हैं कि जब से मैंने आपको देखा मुझे जो है हर समय आपका ही स्मरण होता रहता है, मुझे तो आपका दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे कि श्री कृष्ण के दर्शन का मुझे सुख प्राप्त हो रहा हो, ऐसा लगता है मुझे आपके दर्शनों को कर करके। जब ईश्वरपुरी पाद जी के द्वारा कही गई इन बातों को महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु जो है मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आप तो महाभागवत हो, और महाभागवत होने के कारण क्या है, आप तो आपके तो हृदय में जो है गोविंद का विश्राम है, इसलिए आपको तो हर जगह ही भगवत स्फूर्ति होती रहती है, ये कोई अलग बात नहीं है कि आपको मुझे देख करके भगवान का अवतार महसूस हो रहा है। अतः आप मुझे इस योग्य ना योग अगर समझते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे अपना योग्य समझते हैं, तो आप मुझे जो है दीक्षा मंत्र प्रदान करें। इस तरीके से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद को अपना गुरु धारण करने का निश्चय यहाँ पर कर लिया और उनसे दीक्षा मंत्र लेने की वो चेष्टा कर रहे हैं। फिर ईश्वरपुरी पाद कहते हैं, हे पंडित महाशय, मतलब क्योंकि उनकी पंडित्य को देख करके उनके इतने बड़े बड़े वचनों को सुन करके ईश्वरपुरी पाद कहते हैं, हे पंडित महाशय, आप तो सिर्फ दीक्षा मंत्र की बात कर रहे हैं, मंत्र की बात क्या, मैं तो आपको जो है अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो आपका क्या हूँ, एक आज्ञाकारी दास हूँ। इस तरीके से कह करके श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को वो जो है अपना दीक्षा मंत्र प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार जगत के जीवों को शिक्षा देने के उद्देश्य से स्वयं साक्षात जो है भगवान होकर के भी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन की इस लीला से क्या दर्शाया,
कि हमें जो है भगवान की अगर राधा कृष्ण की जो है सेवा करनी है तो वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें भी किसी न किसी का क्या है आश्रय करना पड़ेगा। और वो किसका हम आश्रय कर सकते हैं, वो है श्रील गुरुदेव का। इस लीला के माध्यम से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही दर्शाया है कि हमें जो है गुरु को जो है धारण करना होगा, और गुरु ही वो तत्व है जो फिर हमें राधा कृष्ण से मिला सकते हैं, या फिर कृष्ण प्रेम जो उनके हृदय में है वो हम तक भी आस्फुरित कर सकते हैं, हमारे हृदय में भी वो कुछ आ सकता है। वैष्णव वांछा वैष्णव वांछा ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वांछाकल्पतरुवश्य कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती विशुद्धोद्भवकरवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्वी श्रीमद्भक्ति वेदांचल श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी में साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुं रहितुं गुरुपादं च कृतं। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्वी भक्ति वेदांचल नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्वी भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज रूपानुग गुरुपाद पद्म विजेत सर गोस्वामी प्रभु पंचतत्वविदुरं साष्टांग दंडवत प्रणाम। रूपानुग सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिवर सोपाल सद जगद्गुरु प्रभुपाल श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पा श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री राघव पंडित गोस्वामी सपरिकर सड़ गोस्वामी प्रभु सपरिकर श्री युगल किशोर राधा गोविंद जी सरकार प्रणाम अर्जुन का हितु उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद सतीर्थ गुरुव्रत वृंद पूज्यपाल श्रीकांत प्रभु प्रेम चांद प्रभु अन्य समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद के धन्यवादों का दिखाई के लिए नाम कृपा। आज एक विशेष तिथि है, हमारे जो संप्रदाय में जो विरह के आचार्य बोलते हैं जिनको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, आज उनके प्रदत्त से चूड़ा दही दंडोत्सव, चूड़ा यानी हिंदी में पोहा, और वो चूड़ा दही दंडोत्सव है आज। और ये भी उत्सव का जो नामकरण कर रहे हैं ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, उत्सव का जो नामकरण कर रहे हैं वो दंड उत्सव। भक्ति में दंड का भी बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। देखो दंड कब दिया जाता है, एक व्यक्ति जब क्रोध होकर कुछ शासन करते हैं तभी दंड दिया जाता है। एक व्यक्ति अगर कभी क्रोध हो जाए और कुछ भी शासन करने लगते हैं तभी उनको उसको दूसरे में दंड प्रदान करते हैं। तो एक विचार यहाँ पे बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु अक्रोध परमानंद है। नित्यानंद प्रभु क्या है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। तो जो अक्रोध मतलब जिनके हृदय में कभी क्रोध है ही नहीं, और जो परमानंद आनंद नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं कि परमानंद, लोचन दास ठाकुर बता रहे हैं परमानंद है, मतलब आनंद के आनंद के आनंद, जो इतने आनंद है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के हृदय में किस प्रकार क्रोध आ सकता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति राज्य में सब विपरीत है। भक्ति राज्य में दंड का भी बड़ा महत्व है, शासन का भी बड़ा महत्व है, क्रोध का भी बड़ा महत्व है भक्ति राज्य में। और भक्ति राज्य में प्रेम का तो महत्व है ही है, प्रीति का महत्व है ही है, क्रोध शासन का भी भक्ति में बड़ा महत्व है। अब देखो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने विशेष करके शिक्षा देने के लिए श्रीमन नित्यानंद प्रभु के पास जब जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु, गुरुजी सुबह बता रहे थे इस पूरा प्रसंग, वो समय बहुत कम है, तो इसका जो मूल
भावार्थ जो यहाँ पे है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं और हमारे गुरुवर्ग जिस आचरण को दिखा रहे हैं कि भक्ति में दंड किस प्रकार का होना चाहिए। भक्ति का दंड है उत्सव। भक्ति का जो दंड है विशेष करके उसको बोलते हैं उत्सव। उत्सव इतना प्रकार का दंड होना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आप रघुनाथ दास गोस्वामी को आप घर घर में जाओ, चिड़वा यानी पोहा को कलेक्शन करो, फल दही को कलेक्शन करो और सारे वैष्णव में उसको क्या करो, उसी चिड़वा दही को वितरण करो, इससे आपका कृपा होगा। एक समय की बात है, दो बात इसमें विशेष करके मैं बताऊंगा, फिर ठाकुर का श्रृंगार भी करना है। दो चीज़ इसमें विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने दंड प्रदान किया और दंड में चिड़ा दही सबको भेज दिया और वहाँ पे साक्षात श्रीमन महाप्रभु आके रुके। तो कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि चार स्थान पे श्रीमन महाप्रभु सदा सर्वदा रहते हैं। चार स्थान पे श्रीमन महाप्रभु हर समय रहते हैं। सची रवांगन है, सची माता का जहाँ पे आंगन है, जो मूल मठ चैतन्य मठ में, वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु हर समय विद्यमान रहते हैं। और श्रीवास आंगन है, श्रीवास पंडित के आंगन में तो हर समय श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे भी रहते हैं। और नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं प्रेम से, वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु हर समय वहाँ पे विद्यमान रहते हैं। और राघव भवन है, जो राघव पंडित का भवन है, जहाँ पे दही चूड़ा दंड उत्सव हुआ था, उस जहाँ पे दही चूड़ा का दंड उत्सव हुआ था ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बता रहे हैं वो हर समय श्रीमन महाप्रभु उसी जगह पे रहते हैं। देखो ये जो उत्सव ना, विशेष करके दो उत्सव यहाँ पे आया, एक विरह उत्सव, एक दही चूड़ा दंड उत्सव। हरिदास ठाकुर वाले प्रसंग में विरह उत्सव आता है, दुख वाला उत्सव आता है, तो उसमें किस प्रकार का महाप्रभु का जो भाव है, महाप्रभु अर्न किस प्रकार महाप्रसाद को कलेक्शन करते हैं, भिक्षा करते हैं, और यहाँ पे जो दंड उत्सव है, ये भक्तों के द्वारा किस प्रकार का भक्ति राज्य में दंड का कितना महत्व है, इसको शिक्षा देने में बता रहे हैं। किस प्रकार दंड को ग्रहण करने के बाद वैष्णव जगत में उसको कितना वैष्णव लोग कृपा करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे, एक समय नित्यानंद प्रभु अपने कुछ शिष्य के साथ, शिवानंद सेन के साथ नीलाचल जा रहे थे पूरी। और ये शिवानंद सेन को विशेष रूप में बहुत सारे दायित्व दे रखे थे श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने। अब नित्यानंद प्रभु कौन है, अक्रोध परमानंद, जिनका कभी क्रोध हो ही नहीं सकता, वो आनंद में भी परम आनंद, वैसे नित्यानंद प्रभु, ऐसे गुरु तत्व एमन दयाल आर के होना है। इस प्रकार के जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही उनको बीच में एक जगह पे भूख लगता है, तो भूख लगता है तो तुरंत ही शिवानंद सेन को पुकारते हैं, कहाँ गया हो शिवानंद सेन, कहाँ गया हो शिवानंद सेन, हाँ, और बड़े क्रोध प्रकाशित करते हैं, विशेष रूप में क्रोध प्रकाशित करते हैं नित्यानंद प्रभु वहाँ पे। और क्रोध प्रकाशित करते हुए शिवानंद सेन के पुत्रों को बोलते हैं कि इनका पराण हो जाए, महाभियोग हो जाए, इस प्रकार का दांत लगाते हैं श्रीमन नित्यानंद प्रभु। तो वहाँ पे जैसे ही शिवानंद सेन आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु क्या किए वहाँ पे, उनके छाती पे एक लात मारते हैं, उनके हृदय पे एक लात मारते हैं। इस प्रकार के जो अक्रोध परमानंद है, जो जिसमें कभी भी क्रोध नहीं आता है, लोचनदास ठाकुर वर्णन कर रहे हो भाई उनमें क्रोध कैसे आ गया, तो उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत क्रोधी हया लाती मारे तार करे हित। कि नित्यानंद प्रभु का सारा चरित्र विपरीत है, अवधूत है ना, अवधूत मतलब समझ में आ रहा है, जागतिक जगत में पागल देखे हो, कौन कौन पागल देखे हो, पागल ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, घूमे नहीं बड़ौद में, हाँ, तो जागतिक यहाँ भी है, तो जागतिक जगत में जो पागल है भक्ति राज्य में उसको बोलते हैं अवधूत। भक्ति में पागल हो जाना मतलब अवधूत है। तो जो अवधूत है नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत है, सब चरित्र विपरीत है, क्रोधी है लाती मारे तार करे हित, क्रोध होके लात मार दिया और उसका हित कर दिया। तो शिवानंद सेन बता रहे हैं प्रभु ब्रह्मार दुर्लभ जो चरण है, ब्रह्मा बिरिंची भी जिस चरण को सेवा करते हैं, वो चरण धूली तो आपने कृपा करके मुझे दिया, हाँ, इससे और क्या हो सकता है। हमारे पूज्यपाद भक्ति प्रदीप गोकुलपुरी गोस्वामी महाराज जी के प्रभुपाद के, उनके गुरुदेव प्रभुपाद के ही शिष्य भक्ति देशिक आचार्य गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य। तो एक समय पूज्यपाद गोकुल भक्ति प्रदीप पुरी गोस्वामी महाराज जी
उनको प्रसाद दे रहे थे, तो महाराज जी बड़े क्रोध में आए, बड़े क्रोध में आए, और महाराज जी को कुछ मतलब उस समय वैद्य ने मना कर रखा था कि ये चीज़ परहेज है, आप नहीं लेना। तो वो बोल रहे हैं कि तो उन्होंने बड़ा सुंदर सुंदर सब्जी बनाया, कुछ ऐसा सब्जी बनाया जो महाराज जी ग्रहण नहीं करते, और महाराज जी को तो दे दिया अर्न अर्न, और पूज्यपाद पुरी महाराज जी वो सब्जी को भोग लगा के खा रहे हैं। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि अरे मुझे तो अर्न अर्न दे दिया और तुम इधर उधर के अच्छे अच्छे चीज़ खा रहे हो। हाँ, और महाराज जी का नियम था कभी भी अपने जीवन में उच्चिष्ट नहीं दिया। भक्ति देसिक आचार्य जी गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य हैं, इस ये जो इनका जो नाम है गौरचरिता पार्श्वदावली भी नहीं, पार्श्वदावली में भी नहीं है, एक जगह पे नाम है। 2010 पे गुरुदेव के अप्रकट के बाद, हमारे दिसंबर 22 के बाद जो मार्च के महीने में एक विरह विशेषांक निकला, उसी विरह विशेषांक में एक भक्ति विचार जाजा और गोस्वामी महाराज ने एक विरह कीर्तन लिखे हैं जय अनिलो प्रेमोधन जैसा, तो उसी विरह कीर्तन हिंदी इंग्लिश बांग्ला में वो इजीली अवेलेबल है। तो उसी प्रकार उसी विरह कीर्तन में भक्ति देसिक आचार्य गोस्वामी महाराज जी का नाम लिख रहे हैं भक्ति विचार जाजा और गोस्वामी महाराज जी। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने जैसे ही वहाँ पे बोलते हैं कि मैं नहीं प्रसाद पाऊंगा, और तुरंत के गुस्सा किए और गुस्सा करके अपने जीवन में किसी को उच्चिष्ट दिया नहीं, अपने जीवन में किसी शिष्य को उच्चिष्ट नहीं दिया, अपने महाप्रसाद प्रसाद किसी को दिया नहीं, तो क्रोध करके क्या किया, अपने थाली से ऐसे प्रसाद लेके उनके थाली में फेंक दी। जागतिक जगत में तो क्रोध दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस उच्चिष्ट को, जिन प्रसाद के लिए, जिन वैष्णव के यहाँ प्रसाद के लिए भक्त भुक्त अवश्य साधन बल जिस प्रकार का भाव है, उसी उच्चिष्ट को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार ब्रह्मा शिव जी भी तरस जाते हैं, वो गुस्सा करके उनके थाली में फेंक दिया, भाई तू खा। तो जैसे उच्चिष्ट पाते हैं, उच्चिष्ट को पाके उनके हृदय में ऐसा भाव होता है, महाराज जी लिख रहे हैं गुरुदेव ने मतलब मुझे क्रोध किया, लेकिन वास्तव में मुझे क्या किया, वास्तव में मेरे ऊपर कृपा कर दिया, उच्चिष्ट दे के कृपा ही किए। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत, नित्यानंद प्रभु के सब चरित्र विपरीत है। इसी प्रकार दंड चूड़ा चिरादयी दंड उत्सव में जिस प्रकार का वो दंड प्रदान किया, और उसी दंड में सारे के सारे वैष्णव आए, और सारे के सारे वैष्णव उनके ऊपर कृपा किए, और सारे के सारे वैष्णव वहाँ पे चिड़ा दही खाए। तो वो वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद एक जगह पे बोल रहे हैं कि इस चिड़ा दही उत्सव में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद का ये वर्णन है, उनका जो वाणी है वो बोल रहे हैं कि इस चिड़ा दही उत्सव में जो लोग केवल आके प्रणाम भी कर ले उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, जो मात्र केवल प्रणाम भी कर ले, और जो महाप्रसाद को चूड़ा दही उत्सव के दिन महाप्रसाद को चूड़ा दही को ग्रहण किया, बोलते हैं नित्यानंद प्रभु उनको आलिंगन करते हैं, श्रीमन नित्यानंद प्रभु उनको आलिंगन करते हैं। अब उसका अहो भाग्य देखो भाई, नित्यानंद प्रभु जिसको आलिंगन कर ले, कितना महत्व है वैष्णव जगत में चूड़ा दही उत्सव। तो जो दंड दिया ये दंड नहीं है वास्तव में, ये क्या है, ये शासन है। हमारे गुरुदेव भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज जी का एक बात याद आ रहा है, विरह विशेषांक में है, पूज्यपाद परिव्राजक क्या उनका नाम, कुलाड़ वाले मठ में, उड़ीसा वाले एक मठ में, वो पहले गुरुदेव के पास ही मथुरा में रहते थे, नाम याद नहीं आ रहे, महाराज जी ब्रह्मपुर का ही है, परमार्थी महाराज, पूज्यपाद परमार्थी महाराज। तो उस समय और हमारे जो अभी चले गए ना कीर्तनिया कन्हैया प्रभु, कृष्णदास प्रभु, ये दोनों क्या करते थे गुरुदेव के समय पे मथुरा में चकाचक मालपुआ लड्डू जलेबी भोग लगता था मंगल आरती में, और ये छुपा छुपा के खा लेते थे। ये दोनों के दोनों लिखे खुद लिख रहे हैं कि हम मालपुआ लड्डू को क्या करते थे, छुपा छुपा के खा लेते थे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि दंड दूंगा, गुरुदेव एक दिन पकड़ लिया रंगे हाथ, गुरुदेव की नज़र तो हर तरफ है, गुरुदेव पकड़ लिया, एक क्या कर रहे हो हाथ में क्या छुपाए हो दिखाओ, कृष्णनाथ प्रभु तो चले गए, पूज्यपाद परमार्थी महाराज हाथ में ऐसे छुपा के ऐसे दिखा रहे साइड में मालपुआ लड्डू, मालपुआ लड्डू बोले कहाँ से लिया, अरे कहाँ से लिया, तो वो तो बता रहे हैं कि गुरुदेव ऐसे ही ले लिया, बोले तुम रोज करते हो ना, तुम्हारे साथ वो कृष्णदास भी करता है ना, तुमको दंड दूंगा, बोलते हैं शासन करते हैं। तो शाम के समय गुरुदेव उनको बोलते हैं तुमको ये दंड दूंगा, सारे वैष्णव के सामने तुम खड़े होना, सारे वैष्णव के सामने तुम क्या करना, कुछ ना कुछ महाप्रसाद वितरण करवाना, कुछ बनाना अपने आप से, और सार ये तुम्हारा दंड है। और दूसरा बार तो बता रहे हैं कि तुम्हारा दंड ये है कि तुम स्वीकार करना बात को, वहाँ पे ऐसे बोलना कि हम उस सब में ठाकुर जी का ये चुरा चुरा के खा दे जाते थे,
तो सारे वैष्णव तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, ये तुम्हारा दंड है। तो किस प्रकार का ये जो दंड का जो विधान है ना, हमारे गुरुदेव के भी मतलब गुरुवर्ग के भी विचार में भी है। एक समय की बात है, गुरुदेव पूरी में थे, पिछले बार लॉकडाउन में हम सबको गीता पढ़ाया जाता था, तो हम तो वो याद ही मतलब इतना सेवा था याद आता था, कभी याद नहीं हुए आता था तो कभी देख के बोल लेते थे, कभी इधर उधर झपक पकड़ के कैसे कैसे बोल ही लेते थे। एक बार पूज्यपाद बंसीवदन को और गुरुदेव ने स्वयं बोला, गुरुजी ने, कि देखो तुम लोग ऐसे पढ़ा रहे हो ना, बंसीवदन प्रभु को बोलते हैं कि इस प्रकार का कोई शिक्षा नहीं दे सकता तुम लोगों को, तो आप बोलते हैं बंसीवदन प्रभु आप इनको शासन करो। तो बंसीवदन प्रभु बोले, देखो अब की बार गीता का श्लोक का कंपटीशन होगा, कौन किस प्रकार का श्लोक आएगा उसको उत्सव दिया जाएगा, मतलब उसको इनाम दिया जाएगा, और जो गीता में हार जाएगा श्लोक कंपटीशन में उसको दंड दूंगा। अब सब डरने लगे, प्रभु जी भाई क्या दंड देंगे, और पूरा सब दिन रात एक करके एक डेट फिक्स कर दिया गया, गुरु जी भी थे उस समय, एक डेट फिक्स कर दिए कि इस डेट पे गीता का कंपटीशन होगा। सारे ब्रह्मचारी, इतना सारा ब्रह्मचारी थे, 20-30 ब्रह्मचारी, सबको बिठाया और डेट फिक्स कर लिया कि इस डेट में गीता का श्लोक कंपटीशन होगा। अब एक के बाद एक अलग अलग तरीके से श्लोक पूछा जा रहा है, और उसमें से जो जीत गया उसमें से उसको तो इनाम दे, और जो हार गया उसको दंड दे। अब बताओ, जब इनाम के बारी आया तो प्रभु जी बोल रहे हैं जो जीत गया उसको 3 घंटे की कंप्यूटर टाइपिंग सेवा, और जो हार गया उसको 3-4 घंटे की कंप्यूटर टाइपिंग सेवा और 3 टाइम की बर्तन सेवा अकेले। तो बोलते हैं प्रभु जी, हमें लगा, एक जो हमारे युवक था बोलते हैं कि हमें तो लगा कुछ अच्छा चीज़ दोगे आप, हाँ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ दोगे। तो बंसीवदन प्रभु बोलते हैं वैष्णव राज्य में ना वैष्णव सेवा ही दंड है, और वैष्णव सेवा ही इनाम है, यही दंड है और यही इनाम है। ये बात मतलब वास्तव में वैष्णव जगत में किस प्रकार का जो दंड, आज जो दंड उत्सव है उसमें किस प्रकार का शासन का शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी पास जैसे भक्त को जिन्होंने मन शिक्षा लिखा उनमें शासन का किस प्रकार का शिक्षा दे गुरुवर्ग ने, किस प्रकार का रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमको शिक्षा दिया, उसी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। केवल प्रीति से नहीं काम चलेगा, बीच बीच में शासन और दंड का भी पूरा आवश्यक है, नहीं तो हरी बोल। ठीक है, मानसा बल बल चिड़ा दही बना दिया, इसलिए ये चिड़ा दही महामहोत्सव है। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका नाम सुने कि नहीं आप लोग, कौन कौन सुने? कहते ये उसी समय में इतने बड़े धनी घर के बच्चे थे, इनके लिए उदाहरण देते हैं कि जिनकी घर में इंद्र के बराबर ऐश्वर्य है, इंद्र के बराबर ऐश्वर्य, वो दो भाई थे, एक भाई का तो संतान था नहीं और एक भाई का एक ही बेटा। कहते इनका साल का इनकम कितना है? कहते 10,000 स्वर्ण मुद्रा। कितना? 10,000 स्वर्ण मोहर सुन्न मुद्रा, जिनको एक महीना की कमाई, जिनकी इतने इनकी कमाई थी हैं। इसलिए कहते ये बारंबार, कहते जब महाप्रभु का प्रेम में एक बार कोई पागल हो जाए ना, कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहते जितने सब पागल सब झूठे पागल है, लेकिन सच्चा पागल कौन है? जो पागल है श्री बांके वो असली पागल है। कहते महाप्रभु का प्रेम में एक बार कोई पागल हो जाए ना भैया, उसको जगत में कोई बांध कर रहे नहीं रख सकते हैं, जैसे आप लोग भी थोड़े थोड़े पागल बने हो। पागल बने तो इस समय साधारण लोग क्या करते होंगे बताओ? घर में बैठ कर टीवी देखते होंगे, अपना बाल बच्चे को लग, लेकिन आप लोगों को अंदर में थोड़ी सी छुटे पुटे आपके अंदर में लग गया तो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? घर छोड़ करके दौड़ी बैठा है, हाँ जब जब कीर्तन हो, सवेरे कोई मंगल आरती में, कोई दोपहर कोई शाम कहा जाते हो, ये जो पागल है ना सब सही पागल, आप लोग सही पागल है, कृष्ण प्रेम में आप लोग पागल हो। कहते जो एक बार महाप्रभु का प्रेम में पागल हो जाए ना, पर दुनिया में उनको कोई नहीं रख सकते हैं, इसलिए इन्होंने घर बार छोड़ करके
चैतन्य महाप्रभु के पास में बारम्बार भाग जाते साधु बनने के लिए, लेकिन एक ही बेटा है, एक ही बेटा और कोई है ही नहीं जो कि संपत्ति को देखने वाले, इसलिए उनको बारम्बार पकड़ पकड़ करके, उनको पिताजी इतने धनी लोग ना, बारम्बार पकड़ पकड़ कर ले जाते थे, पालकी में बैठ करके कहीं जाते थे, पालकी में बैठ कर घोड़े के ऊपर बैठ करके, और जिनके घर में कितने नौकर चाकर लगे हुए थे, इतने बड़े घर के, कहते उनकी पत्नी कितने सुंदरी, तब कहते हैं स्वर्ग के अप्सर जैसे, उदाहरण देते स्वर्ग के अप्सर जैसे सुंदरी, इतने सुंदरी उनकी पत्नी। इसलिए जब वो बारंबार भाग जाती थी, बारंबार भाग जाते थे, उनका पत्नी ने बोले उसको पति को बोले क्या कर रहे हो, ये बारंबार भाग जाता है, आप पकड़ पकड़ कर ले आते हो, अरे एक काम करो इसको लोहे की जंजीर में बांध कर रख लो हैं। तब उनको 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 पति कहते, उनको पिताजी कहते बोले पागली, जगत में दो ही चीज है जगत में जो जीव को संसार में बांध कर रखते हैं, पहला नंबर है पैसा, दूसरा नंबर है पत्नी, ये जीवंत श्रृंखला है जो जीव को संसार में बांधने वाले। जब ये जीवंत श्रृंखला बांध नहीं सका और तुम कहते जड़ा है लोहे की जंजरी में बांध, कोई बांध सकता है? चैतन्य बातुलचार्य के राखी ते बारे, एक बार महाप्रभु का प्रेम में कोई पागल होने ना, जगत में कोई भी चीज उसको बांध नहीं सकते हैं, कोई नहीं बांध सकते जगत में, कोई वस्तु नहीं उसको जो बांध सके। इसलिए जब बारंबार महाप्रभु के पास ले आते थे, एक बार क्या हुआ, श्री नित्यानंद प्रभु आए। जब नित्यानंद प्रभु आए, बंगाल में एक स्थान है पानीहाटी, क्या नाम है, पानीहाटी, कभी भाग्य होगा तो आप लोग दर्शन करना, कोई गए हो पानीहाटी? कोई नहीं गए? वहाँ पर सुंदर गंगा बह रही है, सुंदर बटवृक्ष है। एक दिन नित्यानंद प्रभु वहाँ पर आए, जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला नित्यानंद प्रभु आए, तब उन्होंने दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन के लिए गए, नित्यानंद प्रभु है चोरा इधर, उसको कहते चोर कह रहे हैं, बोले चोरा इधर आ जा, आज तुमको दंड दूंगा, तू मेरे संपत्ति और बिना मेरे को बोल करके तू लेना चाहते हो। चोर किसको कहते हैं? अगर आपका संपत्ति को कोई बिना बोले ले, इसको चोर कहते हैं। कहते जो राधा कृष्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु कौन? ये राधा कृष्ण दोनों मिल करके इनका एक रूप चैतन्य महाप्रभु, और ये मेरा ही संपत्ति, अखंड गुरु तत्व कौन है? नित्यानंद प्रभु। कहते निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, नित्यानंद प्रभु के कृपा के बगैर कोई भी कृष्ण को, राधा कृष्ण को, महाप्रभु को नहीं पा सकते। हे न निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नहीं, बगैर नित्यानंद प्रभु के कृपा के बगैर कोई भी राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संपत्ति मेरी और मेरे को बिना बोले तो चोरी करना चाहते, बिना बोले मेरे को चोरी करना चाहते, तेरे को मैं दंड दूंगा। इसका मतलब जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो, हैं कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काज लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए हैं। इसलिए शास्त्र ने बताया सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना, जो डायरेक्ट भगवान की सेवा करता है, शास्त्र ये कहता है कोई गारंटी तुम भगवान तुमको मिलेंगे, लेकिन अगर कोई गुरु जी के अनुगत्य में भजन करता है, शास्त्र कहता है नी संशय च अत्र तद भक्त परिचर्यात्मना, जो गुरु जी की शरण लेते हुए भजन करता है, शास्त्र गारंटी देता है एक दिन तुम्हें ठाकुर मिलेंगे ही, ठाकुर तुम्हें मिलेंगे ही ठाकुर तुमको। इसलिए उन्होंने बगैर गुरु के भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, बोले बिना बोले तू भगवान को, हाँ तेरे को दंड दूंगा। इसलिए भक्ति जगत में दंड भी बड़ी आशीर्वाद है, दंड भी मीठा। बोले क्या दंड है? बोले सारे भक्तों को चिड़ा और दही महोत्सव करा खिलाओ सब भक्तों को। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, इसलिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं साधव हृदय मुह्यम, साधु तो भगवान के हृदय में रहते हैं और भक्तों के हृदय में साधु और साधु हृदय में भगवान रहते हैं। जब हम किसी शुद्ध साधु को संतुष्ट कर देते हैं, वो अपने आप ठाकुर खुश हो जाते हैं। क्यों? संतों के हृदय में ही ठाकुर रहते हैं। बोले तुम संत सेवा करो, संतों को प्रसाद खिलाओ। क्या प्रसाद? ये बंगाल और बिहार में ये बड़ा प्रसिद्ध है। अब बिहार बिहारियों को पूछो बिहार में सबसे बढ़िया खाना कौन सा? बोले चिड़वा। चिड़वा में दही दे करके हैं, चिड़वा में कभी गया था बिहार में कथा करने के लिए, जिस जिस घर में गया ना
वो जो चिड़वा इधर का इसे चिड़वा नहीं पोहा, वो थोड़ी और थोड़ा कड़क होता है, उसमें दही और उसमें दही डालते हैं और उसमें नारियल डालते हैं और उसमें आम और केला डाल करके हैं बड़े सुंदर दही और उसमें रसगुल्ला की रस डाल करके उसको बनाते हैं। फिर उसको साथ में और क्या बोले मटर और आलू टमाटर उसमें डाल करके सब्जी हजम कराने के लिए और जलेबी उधर का रसगुल्ला ये सब जिस जिस हम घर में गए हर घर में एक ही खाना है क्योंकि वहाँ के बेस्ट खाना चिड़ा दही है। हैं हमारे बंगाल में भी अभी जो जगन्नाथ जी है ना कभी जाओगे तो जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में सबसे बढ़िया भोग क्या लगता है चिड़वा। वहाँ चिड़िया को तो पीस देते हैं उसमें नारिकल को पीस पीस देते हैं एकदम नी करके और उसमें चीनी को नहीं तो गुड़ अच्छी गुड़ को उसको घीच घीचते हैं करके उसके अंदर घी डालते हैं। घी डाल करके जगन्नाथ जी को यही भोग लगता है। जगन्नाथ जी को प्रिय भोजन भी जगन्नाथ जी आपको पता होगा सुदामा जब गया था कृष्ण दर्शन करने के लिए क्या लेकर गए थे चिड़वा लेकर गए थे। वहाँ पर आते चिड़वा लेकर सुदामा कृष्ण के पास में चिड़वा लेकर गए थे। ठाकुर जी दो मुठ्ठी चिड़वा खाए ना और त्रिभुवन का राज्य दे दिया सुदामा जी को यही चिड़वा लेकर गए थे ठाकुर जी हैं। इसलिए बैठो अब थोड़ी खत्म होने वाले 5 मिनट इसलिए चिड़वा लेकर गए थे। इसलिए उन्होंने बोले सारे भक्तों को ये खिलाओ। जब उन्होंने सुन कर बड़े खुश हो गए तो बहुत बड़े धन्यवाद देते नाव में भर भर करके उन्होंने चिड़ा दही चीनी लाए और वहाँ पर विशाल उन्होंने उत्सव किया और करके मिट्टी की पात्र में दो तरह का चिड़वा बनाए एक तो दही में डाल करके और एक में दूध में और उसमें केला और बंगाल का जो संदेश जो मिठाई है ना बड़ा स्वादिष्ट है उसका मिठाई की अलग टेस्ट है हैं उसमें डाल करके थोड़ा कर्पूर था घी डाल करके उन्होंने चिड़ा दही एक दूध में और एक चिड़ा में और ठाकुर जी को भोग लगा कर कितने में सारे वैष्णव बैठे और सारे बड़े बड़े वैष्णव वहाँ बैठे बैठे और उन्होंने महाप्रभु को बुलाया। महाप्रभु में थे कहाँ जगन्नाथपुर में ये हो रहे बंगाल में। जब उन्होंने हृदय से बुलाया महाप्रभु के लिए पत्र रखा साक्षात महाप्रभु वहाँ प्रकट हो गए। अब महाप्रभु प्रकट होकर वहाँ भजन किया सबको भजन के बाद में चंदन लगाया सबको गले में तुलसी माला पहनाया और नित्यानंद प्रभु उन्होंने क्या किया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर अपना चरण रखा। जब चरण रखा सब वैष्णव को जो प्रसाद खिलाया भक्तों के हृदय में ठाकुर बैठे हुए और सबके सब भक्त लोग जो प्रसन्न हो गए बस उनका आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया पहले क्या होता था वो चले जाते थे उनको बारंबार पकड़ कर लाते थे। अभी जब लास्ट समय में इसको बाद में जब उन्होंने गए फिर तो उनको पिताजी नहीं ला पाए क्यों इनको पर नित्यानंद प्रभु का सारे वैष्णव की आशीर्वाद हो गया हैं। जब तक संतों की कृपा नहीं हो तब तक भगवान हमें नहीं मिलेंगे। जब हम संतों की कृपा सेवा करते हैं क्या होता है हमें सुकृति बनती है वो सुकृति पुष्ट होने पर तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज ये चिड़ा दही महोत्सव कहा था कल आपको 8:30 बजे छोड़ दूंगा कुछ कुछ माताओं को बहुत दूर तक जाना पड़ता है इसलिए हाँ इसलिए कुछ भक्तों ने बोले हमको बहुत दूर तक जाना पड़ता है इसलिए आपको आज हम यहीं विश्राम दे देते हैं और कल श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। ए श्यामानंद ओ श्यामानंद कल कल यहाँ पर क्या करें कहाँ पर दिन में कुछ करना कि रात में हाँ कोई ऐसा मंगलारती परे परे जब हम जिंदगी कीर्तन हुए तुरंत तुरंत अभिषेक कर दो मंगलारती जहाँ फल मीठा फल आई संगे संगे बांटी देव समस्त सकाल सकाल आई किसी उत्सव करवा आवश्यक नहीं हरे कृष्ण। इसलिए कल कल जगन्नाथ जी कहते साल में एक बार जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। साल में एक बार जगन्नाथ जी स्नान करते हैं साल इसलिए शाम को जगन्नाथ जी स्नान करते साल में एक बार। इसलिए कल हम सवेरे यहाँ पर आप सवेरे आ सकते हैं कल सवेरे अगर सवेरे अगर आओगे श्री जगन्नाथ जी को यहाँ पर कितना बजे स्नान कराएंगे 7 बजे जगन्नाथ जी को स्नान हो जाएगा। अगर आप आ सकते तो अगर 7 बजे आना तो आओ नहीं तो पहले शाम को सबको लेकर कल शाम को सबको लेकर आना। कल हमारे चिराग प्रभु कस्टर्ड बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कल जगन्नाथ जी का जन्मतिथि कल जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं कस्टर्ड बनाएंगे और श्री कल जगन्नाथ जी को कल आप लोगों के लिए कुछ प्रसाद का कुछ खिचड़ी बना करके बोल रहे थे कुछ खिचड़ी और कस्टर्ड आप सबको कल प्रसाद भी शाम को
हम प्रसाद की व्यवस्था करके चिराग आ गया चिराग है कि नहीं। इसलिए आज आप लोगों के लिए जो चिड़ा दही बंगाल में बनता है आज यहाँ पर हम बनवाएं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा। आप खा करके बोलना ये चिड़ा दही बंगाल का उड़ीसा का कैसे होता है, इसको खा करके बोलना कैसे आपको लगता है। आपको जिंदगी में मुझे लगता है तो जो पहली बार आए होंगे उनको शायद जिंदगी में पहला बार ये चीज़ खाने को मिलेगा, लेकिन अब कैसे लगेगा खा करके हमको बोलना। ठीक है, बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, नित्यानंद प्रभु की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे। कल श्री जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे, ठीक है। हाँ, आप प्रसाद सबको वहाँ पर, प्रभु जो वहाँ प्रसाद सबको प्रसाद दे दो।